मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है राइट नाउ। लास्ट नाइट मैंने तकरीबन नाल पे आए हुए हैं खाना खाने, तो फाइनली मैं बिल रिवील कर रहा हूँ जी। लो जी सर, आज पूरे मीर होए ने के रखे अजे को सर जी दसो ना। गड्डी चाबी तकरीबन एक घंटे बाद न्यूयॉर्क ओपन होने वाला, न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होने वाली है। फिलहाल तो मुझे लंदन में कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई। छः होने वाले हैं तकरीबन न्यूयॉर्क, कुछ चार पाँच मिनट बाद ओपन हो जाएगा और मैं जिधर हूँ मैंने उधर ही ब्रेक लगा दी है। अगर आप यहाँ पे देख सकें मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है राइट नाउ, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ना वो ऊपर जा रही है पिछले कुछ दो तीन दिन से, ना वो नीचे आ रही है। ये वो ट्रेड थी जो मैंने पहले ली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट नीचे नहीं, अभी भी देखो इस रेंज में कितनी वीक डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है। मुझे लगता है आज मुझे कोई ट्रेड मिलेगी। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको और देता चाहूँ अमेजोन एफ बी आई की हवाले से। लास्ट टाइम तकरीबन मैंने रोड के ऊपर ही खड़ा हो गया, डर तक नहीं आगे जाऊँ, मे भी वहाँ पे सर्विस का मसला आ जाए। तो लास्ट नाइट मैंने तकरीबन 11 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो $150 का रेवेन्यू बनाया। आज अभी एक प्रोडक्ट सेल हुआ लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है क्योंकि मैं USA में सेल करता हूँ, तो वहाँ पे तो अभी बहुत सुबह है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीन शॉट लगा दूँगा। तो ये कुछ अपडेट थी आज के दिन की, कोई ट्रेड नहीं मिली क्योंकि मार्केट थोड़ा मैस कर रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरा ऐसे कुछ अचानक प्लान बन गया। सो फर्स्ट टाइम अकेले जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ दोस्त हैं उनसे मिलूँगा और मुझे कोई एक दो काम है वो भी करूँगा। मैं अपनी कमीज़ और कुछ कपड़े दर्जी को दे आया हूँ इस्त्री करने के लिए। गाड़ी वॉश हो रही है और अभी मैं इसके बाद सलून पे जाऊँगा, थोड़े बाल चाल भी सेट करवाऊँगा, फिर हम इस्लामाबाद जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मुझे धक्का मारना हो गया। फिलहाल मैं गुजर खान हूँ, गुजर खान रुका हूँ और मैंने यहाँ से कुछ पीने को लिया है। लगातार मैं पिछले एक डेढ़ घंटे से लगातार गाड़ी बगा रहा हूँ, मैं लेट हो चुका हूँ और अभी घंटे एक और सफ़र रह गया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे इस्लामाबाद में। हम नाल पे आए हुए हैं खाना खाने, लाहौर पे तो जा ही चुके हैं, अब आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में कैसा खाना है। लाहौर में तो मज़ा नहीं आया, इस्लामाबाद का चेक करके बताते हैं। लाहौर से काफ़ी बेहतर लग रहा है, और इतना नहीं था यहाँ पे टेबल लेने के लिए भी पहले नाम लिखाना पड़ता है और फिर वो आपको वेट करने को बोलते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है तो अभी हम जाकर उनसे पूछेंगे कि वो हमें भूल तो नहीं गए। वो वाकई भूल गए थे। फाइनली हमें टेबल मिल चुका है और व्यू चेक करेगा। अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे और उसके बाद आप रिव्यू देंगे। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है लेकिन खाना हमने खा लिया है और हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, चोमैन और चिकन विंग्स, तो उठा के ले गए हैं लेकिन मुझे कहना पड़ेगा वॉज अमेजिंग, खाना बहुत ही अच्छा था। मैं अभी आपके साथ बिल भी शेयर करूँगा क्योंकि वो सब जानना चाहते हैं कि बिल कितना बनता है। बहुत ही लजीज खाना था। तो फाइनली मैं बिल रिवील कर रहा हूँ जी मुनाल इस्लामाबाद का, और ये है हमारा बिल 7,550 रुपीज़, और ये जो कुछ हमने खाया। थोड़ा हम लेट हो चुके थे, मैं वीडियो का एंडिंग कर सकता, तो आज की वीडियो का इधर ही एंड होता है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाँव में जाके।